सेशन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष पद के विंध्य क्षेत्र के रीवा देवतालाब विधानसभा गिरीश गौतम को चुना गया है। इस विधानसभा सत्र के देवतालाब विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा संचालन का कार्यभार सौंपा गया। मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष से स्टेट हेड अवधेश चंद्रवर्षी ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश विधानसभा को 17 साल के इंतजारों के बाद विंध्य से विधानसभा स्पीकर मिला। हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं गिरीश गौतम जी। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। जी, सबसे पहले बस आप इसकी जनता को नमस्कार। जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि क्या संदेश रहेगा आपका, जैसा आज आपने कहा। नहीं, संदेश केवल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण का काम हो और प्रदेश का विकास हो, और उसके लिए जो सरकार है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना काल में बहुत अच्छे काम हुए। तो यही संदेश है कि विंध्य प्रदेश को एक अवसर फिर से मिला है जी। और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि उपेक्षा हो रही है, तो अब तो ये कोई दिक्कत है नहीं है, अब वो विंध्य प्रदेश को भी अवसर दे दिया गया जी। जैसा हम बात करें तो 15 में से 14 विधायक आपके बीजेपी के हैं विंध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र से, तो ऐसे में अब आपसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। नहीं, हमारा काम तो इस बात का नहीं है कि वहाँ जाकर के कुछ करना। हमने तो विधानसभा के भीतर जो हमारे माननीय विधायक हैं, सदस्य हैं, सरकार है, उनके बारे में जो भी वो बातचीत करेंगे, जो करना चाहिए उनको, उसमें उनकी मदद करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि विधानसभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों के हितों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी मेरी है, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। एक साल के बाद करीब ये विधानसभा सत्र ऐसा माना जा रहा है कि अब लंबा चलेगा, तो ऐसे में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे तो आ गए, प्रश्न आ गए, सारे प्रश्न आ चुके हैं, और जैसा विधानसभा में चलता है सारे विषयों के बारे में बातचीत होती है, लोग अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद तमाम सारे प्रस्ताव पास होते हैं, विधेयक पास होते हैं, संकल्प प्रस्तुत होते हैं, ध्यानाकर्षण आते हैं, उसके माध्यम से ही विकास के काम या लोक कल्याण के काम निकलते हैं। ये बजट सत्र भी है तो इसको लेकर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या माना जाए कि आपको लगता है कि इस बार महंगाई से भी कुछ राहत सरकार दे सकती है? अभी तो जब बजट प्रस्तुत होगा तभी पता चलेगा, और कल जब अभिभाषण होगा महामहिम राज्यपाल जी का, तो उससे भी एक दिशा तय हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ अब नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, जो कि कल से वहाँ पर अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, अवधेश चंद्रवंशी के साथ भोपाल के न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।